नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस सबूर में, जहाँ से आज हमने सेशन शुरू कर रखा है। आपको सभी को पता है एग्रीकल्चर का कर चुके हैं हम। इस पर हमने 3 से 4 क्लासेस पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है वो क्रॉप्स पे है, और क्रॉप्स पे 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। तो कल हमने कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे। कमर्शियल क्रॉप्स क्या थी? जो नकदी फसल होती है जिसको आप कैश क्रॉप्स बोलते हैं, उसके अंदर हमने 2 फसलों के बारे में पढ़ लिया था। जो एक फसल थी वो थी आपकी शुगर के, क्या थी? शुगर के। और दूसरी फसल थी वो थी आपकी कॉटन, क्या थी? कॉटन। कल एक डाटा गलत हो गया था, वो थोड़ा बच्चों सही कर देना, कि जो मैंने कल कॉटन का प्रोडक्शन बताया था, जो सबसे ज्यादा हमारे वर्ल्ड के अंदर था, वो मैंने यूएसए बताया था। यूएसए नहीं है, एवरी ईयर आपके डाटा चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है प्रोडक्शन के अंदर, और थर्ड नंबर के अंदर कौन सा था? यूएसए। 2020 के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया पहले नंबर पे था कॉटन के प्रोडक्शन में, बट आज कॉटन के प्रोडक्शन में सबसे आगे देश है वो कौन सा था? चाइना है। ये थोड़ा सा डाटा पिछले वाली वीडियो का आप सही लगा। चलो आज बात करते हैं हम ऑयल सीड क्रॉप्स की। ऑयल सीड क्रॉप्स ये भी कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर आएंगे। कौन कौन सी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो एक बार लिख देता हूं मैं आपको, उन्हें को हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स। एक आता आपका मस्टर्ड, एक आता है आपका मस्टर्ड, एक आएगा आपका सोयाबीन, एक आएगा आपका सोयाबीन आएगा, एक जो आपका आता है वो कैस्ट्रो आता है। कैस्ट्रो, कैस्ट्रो ऑयल का नाम भी सुना होगा आपने, कैस्ट्रो हो गया। और ग्राउंडनट हो गया आपका मूंगफली, एक हो गया आपका मस्टर्ड, एक हो गया आपका सोयाबीन, एक हो गया आपका कॉस्ट्रो, एक आपका सनफ्लावर से, एक है आपका सनफ्लावर। ये वो मेन क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जिनसे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। अब ऑयल सीड पे ऑयल का बात बता देता हूँ मैं। जो ऑयल सीड क्रॉप्स है इंडिया के अंदर, विश्व का 10%, विश्व का 10% जो ऑयल सीड है, ऑयल है, वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स भी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर है। और कौन कौन सी ऑयल सीड क्रॉप्स है, मतलब उनके सीड से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या ऑब्टेन होता है? ऑयल होता है। ऑयल का हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, फूड के अंदर, जैसे कि गुजरात के अंदर खाने में जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो आपका ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है। इसी तरह हम हमारे गांव में किसका यूज कर रहे हैं? मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहे हैं। और इसके प्राइस देखो, आज सबसे ज्यादा प्राइस है सरसों के तेल प्याज आसमान को छू रहे हैं ना। सोयाबीन का ऑयल हो गया कैस्टर, इसका ना कैस्टर का यूज होता है जैसे साबुन बनाने में, जो कपड़े धोने वाले साबुन आती है ना, और लेदर टैनिंग के अंदर, जो लेदर टैनिंग मतलब जो चमड़ा उद्योग है वहां पे भी हम कैस्टर का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट के अंदर भी कैस्टर का यूज होता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? लुब्रिकेंट वो होते हैं जो फंक्शनल फोर्स को कम करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया। बहुत सारे हमारे बाजार के अंदर लुब्रिकेंट प्रेजेंट है, ठीक है। एक हो गया सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या होता है आपका? सूरजमुखी होता है। क्या होता है? सूरजमुखी होता है। चलो वन बाय वन करके आज क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राउंडनट्स की। ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स क्या होती है आपकी? मूंगफली होती है। ग्राउंडनट्स मूंगफली, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको यह है एक आपकी खरीफ क्रॉप्स है, ऑयल सीड क्रॉप्स भी है, और यह एक आपकी खरीफ क्रॉप्स भी है। खरीफ क्रॉप्स मैंने कल बताया था कि जिसकी शोन बिजाई की जाती है आपकी अप्रैल जून के अंदर, और इसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाएगी आपकी सितंबर के अंदर। तो वो फसलें मैंने प्रीवियस ईयर में बताया आपको, खरीफ क्रॉप्स किसे कहा जाता है, उसी के अंदर आती है आपकी ग्राउंडनट्स। तो सबसे पहले ओरिजिन पूछा जाएगा भाई, ओरिजिन किस देश के अंदर हुआ, उत्पत्ति इसकी किसके देश में हुई?
तो पता होना चाहिए आपको सभी को इसका ओरिजिन हुआ है वो ब्राजील में हुआ है। किसमें हुआ है? ब्राजील। ब्राजील कंट्री के अंदर ओरिजिन माना गया है किसका? ग्राउंड नट्स का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर ग्राउंड नट्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? पूरे विश्व के अंदर जो ग्राउंड नट्स है उसका प्रोडक्शन करेगा तो चाइना। कौन करेगा? चाइना। और सेकंड नंबर पे कौन करेगा? इंडिया करेगा। सेकंड नंबर पे कौन करेगा? इंडिया करेगा। अब वो स्टेट की बात कर देते हैं इंडिया के अंदर जिसके अंदर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है ग्राउंड नट्स का, तो पता होना चाहिए गुजरात। कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात। उसके बाद देखना भी हमारा ग्राउंड नट्स हो चुका है क्योंकि ग्राउंड नट्स का ओरिजिन पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? ब्राजील में। सबसे ज्यादा विश्व में कहां पे होती है तो आप कहोगे चाइना में। कहां पे होती है? चाइना में। अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? गुजरात के अंदर। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी और राजस्थान के अंदर भी हमारी क्या होती है? ग्राउंड नट्स पाई जाती है। और याद रखना ऑयल सीड की मुख्य फसल पूछना इंडिया की। इंडिया की ऑयल सीड की मेजर क्रॉप्स पूछे या मुख्य फसल मतलब सबसे ज्यादा जिस फसल से ऑयल प्राप्त करते हैं हम इंडिया के अंदर वही हमारा क्या है? ग्राउंड नट्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑयल सीड की मेन क्रॉप्स इंडिया की क्या है? कौन सा? क्या दे दोगे? ग्राउंड नट्स दे दोगे। अगर ये ग्राउंड नट्स ऑप्शन में ना हो तो किस पे जाओगे? तो आप जाओगे मस्टर्ड। किस पे जाओगे? बेसिक से क्वेश्चन याद रखने हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर पहली ही क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये है आपके ग्राउंड नट्स। किस सीजन में इसको डिजाइन की जाती है? ये एक खरीफ क्रॉप्स मानी गई है। ओरिजिन पूछे भी कहां से ये निकली है फसल, तो ब्राजील देश से ओरिजिन है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पे आज प्रोडक्शन के अंदर चाइना है। क्या है? चाइना। सबसे आगे निकलने वाला देश आदि स्टेट पूछे हमारे भारत में तो कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। हमारी ऑयल सीड मुख्य फसल है ग्राउंड नट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल जो हम यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो ग्राउंड नट्स का यूज कर रहे हैं। अगर ये ऑप्शन में ना है तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा आपका? मस्टर्ड ऑयल रहेगा। क्या रहेगा? मस्टर्ड ऑयल रहेगा। नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें तो आपका आएगा जी मस्टर्ड। क्या आएगा? मस्टर्ड आएगा। मस्टर्ड ऑयल सीड या मस्टर्ड क्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए भाई मस्टर्ड क्रॉप्स कौन सी फसल है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मस्टर्ड क्रॉप है ये आपकी रबी क्रॉप्स है। क्या है? रबी क्रॉप है। ये सर्दियों के अंदर बिजाई होती है इसकी, जैसे सितंबर अक्टूबर में इसकी हम बिजाई करेंगे और फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर इसकी क्या कर देंगे? हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखना कि जो सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर होती है, किस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है किसका? मस्टर्ड का। तो इसका आंसर क्या तो दोगे आप? चाइना। क्या दोगे? चाइना ही दोगे। ठीक है, राइस के अंदर भी चाइना है, मीट के अंदर भी चाइना है। जो पता ना हो तो चाइना ऑप्शन हो उसको टिक मार देना। ठीक है, 80% आपका सही चला जाएगा। उसके बाद देखो हमारे इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है, इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जिसके अंदर मस्टर्ड सबसे ज्यादा होती है? आंसर रहेगा राजस्थान। क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा। और सेकंड नंबर की बात करूं तो हरियाणा है। सेकंड नंबर पे कौन है आपका? हरियाणा है। पंजाब के भी कुछ हिस्से के अंदर मस्टर्ड होती है, जहाँ पे क्या होती है आपकी? पतली मिट्टी है। पतली मिट्टी का मतलब क्या होती है? सैंडी सोइल पाई जाती है। राजस्थान के लगता हुआ एरिया। ठीक है, तो मस्टर्ड क्रॉप से इतने क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या है? ऑयल सीड क्रॉप्स है। सेकंड, दूसरी मुख्य फसल है ऑयल सीड की। थर्ड, यह एक रबी क्रॉप्स है। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करेगा मस्टर्ड का। पांचवें नंबर पे क्या याद रखना है? राजस्थान पहले नंबर पे है और हरियाणा सेकंड नंबर पे है प्रोडक्शन के अंदर इंडिया के अंदर किसका? मस्टर्ड का। किसका? मस्टर्ड का। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा आपका सनफ्लावर। क्या आएगा? सनफ्लावर। सनफ्लावर होता है आपका सूरजमुखी। क्या होता है? सूरजमुखी। सबसे पहले ना इसके फ्लावर का पता होना चाहिए। लगभग जो ऑयल सीड
जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती है ना उनके फ्लावर का 90% जो कलर होगा वो येलो होगा, याद रखना इस चीज का, क्या होगा येलो। तो जो आपका ऑयल का प्रोडक्शन है वो किस रिवॉल्यूशन में आएगा, येलो रिवॉल्यूशन में ही इसको रखा गया, ये भी बात पता होना चाहिए। तो सनफ्लावर का भी कलर क्या होता है येलो होता है, मस्टर्ड फ्लावर का भी येलो होता है, लगभग लगभग जितनी भी ऑयल सीड की क्रॉप्स है उन सभी का कलर अगर फ्लावर्स की बात करूं तो येलो होता है। उसके बाद देखो भाई सनफ्लावर सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आंसर आएगा आंध्र प्रदेश इंडिया में, कर्नाटक भी है भी आपका, गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है। इसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑयल सीड क्रॉप है, तो याद रखना सनफ्लावर। क्या सनफ्लावर भी फसल है जिससे हमें किसका प्रोडक्शन मिलता है, ऑयल का मिलता है। अब याद रखो कैस्टर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल और एक और याद रखना भाई सोयाबीन। क्या याद रखोगे, सोयाबीन। अब ध्यान से सुनो, कैस्टर ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा, गुजरात करेगा, दूसरे नंबर पे कौन करेगा, राजस्थान करेगा, इतना पता होना चाहिए। अब इस कैस्टर ऑयल का यूज कहां पे होता है, यूजेस इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बार-बार यूजेस आएंगे पेपर में, तो तीन यूजेस आपके माइंड में छाप लो, किससे, कैस्टर ऑयल से, अरंडी का तेल भी कहते हैं इसे हम, ठीक है ना। तो कैस्टर ऑयल एक तो हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट बनाने में, लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे कैस्ट्रोल का ऑयल है वो एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, ग्रीस जो हम बेरिंग वगैरह में करते हैं ना वो भी एक क्या आपका लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का यूज अगर फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं ना तो फ्रिक्शनल फोर्स को कम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब कोई भी दो चीजें आपस में घिसती है ना तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो वो हीट को बढ़ा देगा, किसको बढ़ा देता है, हीट को। तो हीट को कम करने के लिए किसका यूज हो रहा है, ल्यूब्रिकेंट का, किसका यूज हो रहा है, ल्यूब्रिकेंट का। सोप बनाने में भी, कौन सी सोप बनाने में, जो हम वाश करते हैं क्लोथ्स, जैसे ब्लैक सोयल आती है ना सोप, वो साबुन, उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं। और तीसरा याद रखना भाई आपका लेटर के अंदर, लेटर मतलब लेटर होता है चमड़ा, चमड़ा का मतलब स्किन, स्किन किसकी भाई, स्किन होगी एनिमल्स की, स्किन होगी एनिमल्स की। तो एनिमल्स की स्किन को उतारा जाता है और उसका लेदर बनाया जाता है, और बहुत सी चीजों के अंदर किसका यूज करता है, लेदर का यूज होता है। तो आप कह सकते हो कि लेदर टैनिंग के अंदर, लेदर टैनिंग के अंदर किस ऑयल का यूज किया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, कैस्टर ऑयल। क्या आ जाएगा, कैस्टर ऑयल। अब आगे देखो भाई सोयाबीन, सोयाबीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं पेपर में, और आपके लास्ट ईयर पटवारी के अंदर सोयाबीन से एक क्वेश्चन बना हुआ है और बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। देखो अभी बताता हूं मैं, तीन ही क्वेश्चन याद रखने हैं आपने सोयाबीन से, और कुछ याद नहीं रखना। सोयाबीन बॉडी बिल्डर यूज करते हैं सोयाबीन का ना, तो क्यों करते हैं उसका भी एक कारण बता देता हूं। तीन क्वेश्चन याद रखना भी यहां से, कि सोया स्टेट किसे कहा जाता है, सोया स्टेट किसे कहा जाता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां होता है हमारे इंडिया के अंदर, और ये किसका सोर्स है, ये किसका सोर्स है, मतलब क्या पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। अब मेरी बात सुनो, सोया स्टेट बोला जाता है एमपी को, एमपी का मतलब क्या होता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भी सोयाबीन आता है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन भी किस के अंदर होगा आपका, एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और आपसे बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोयाबीन किससे, किसका सोर्स होता है, आंसर आएगा आपका प्रोटीन का, किसका
प्रोटीन का लगभग लगभग 50-60% प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर है, सोयाबीन के अंदर। तो मेजर क्रॉप्स आज हमने कमर्शियल क्रॉप्स को खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी पैडी भी आएगी, बीट भी आएगी, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस फसलें हमारी रह चुकी है उसकी एक वीडियो में और हम सारी के सारी क्रॉप्स को कंप्लीट कर देंगे। फिर करेंगे हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में, फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे वो अपना फूड तैयार करते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब हम देख लेंगे, और लास्ट में करेंगे प्लांट हार्मोन। कहने का मतलब अभी भी हम 10 से 15 क्लासेस एग्रीकल्चर पे और डाल देंगे, ठीक है। तो आज जो आपका सेशन था वो कमर्शियल क्रॉप्स का खत्म हो चुका है, और कल आपकी जितनी भी फसलें बच चुकी है उन सभी को हम क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।